जौली विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। अवैध मस्जिद है, ढहा देना चाहिए, गिरिराज सिंह ने कहा। अवैध मदरसों को भी ढहा देना चाहिए, गिरिराज सिंह एक कदम और आगे बढ़कर बोलते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में बहुत गहरी साजिश चल रही है, देवभूमि में रोहिंग्या को बसाने की ये साजिश है। ये कहना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, अवैध मस्जिद को ढहा देना चाहिए और अवैध मदरसों को भी ढहा देना चाहिए, यह बात भी कही गिरिराज सिंह ने। देश के अंदर एक साजिश चल रहा है, PFII हमारे देवभूमि से लेके, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमालयन स्टेट हो, चाहे देश के अन्य भाग हो, जहां जहां हिंदू आबादी है और खाली है वहां मुसलमानों को पेनिट्रेट कराओ और आने वाले दिन में इस्लामिक स्टेट घोषित करो। ये मदरसे अवैध और अवैध मस्जिद ये भारत में आतंकवादी पैदा करते हैं। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, एक बार फिर से मैं आपको शिमला लिए चलता हूं। सचिन मेरे साथ वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, ये तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं कि इस तरीके से आज हल्ला हंगामा सड़कों पर हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू ये है कि जमकर राजनीति भी हो रही है। खासतौर पर देखिए, अभी जो गिरिराज सिंह का बयान था वो किस लाइन पर बात को ले जा रहे हैं, इसका बहुत सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। जी देखिए, जब ये धार्मिक विवाद होता है तो निश्चित तौर से राजनीति जो है इसके ऊपर होगी। राजनीतिक पार्टियां जो हैं राजनीतिक रोटियां सेकेंगी धार्मिक विवाद के ऊपर। पर मसला है शिमला जो है, शिमला बहुत शांत शहर है, हिमाचल बहुत शांत प्रदेश है और यहाँ पे इस तरह के जो मसले हैं वो नहीं होते हैं, इस तरह के कम्युनल जो हैं इश्यूज़ नहीं होते हैं। और शिमला में ये देखने को मिला है इस बार कि इस मुद्दे के ऊपर जो है मोबिलाइजेशन करने की कोशिश जो है हिंदू संगठनों की तरफ से की गई है। सोशल मीडिया पे कॉल दी गई, बाकायदा प्रचार किया गया। तस्वीरें हम आपको संजौली चौक की ही इस वक्त दिखाएंगे दोबारा से, तमाम देख सकते हैं आप कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे अब भी मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों को बेशक खदेड़ दिया गया है यहाँ से, पर अब भी मौजूद हैं पुलिस बल जो हैं यहाँ पे। खुद SP शिमला यहाँ संजौली चौक पे मौजूद हैं, खुद डिप्टी कमिश्नर शिमला यहाँ मौजूद हैं और स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो रीग्रुप ना हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। 163 लगाई गई है यहाँ पे, धारा जो है 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पे जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। पर आज जिस तरीके से प्रदर्शनकारी आए थे तो उन्होंने तमाम जो प्रतिबंध लगाए थे, जो बैंस लगाए थे 163 के तहत, उनको उनकी जो है धज्जियां उड़ाते हुए जो है मस्जिद की तरफ मार्च कर रहे थे, पर पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। अब प्रदर्शनकारी रीग्रुप होते हैं या नहीं होते हैं ये देखने वाली बात होगी, पर अब इस मसले पर राजनीति जरूर होगी क्योंकि बिल्कुल, और वो जो बयान सामने आ रहे हैं सचिन, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह की राजनीति हो रही है।